हे एवरीवन, आज मैं फ्राइड राइस की एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ जो है मशरूम मसाला फ्राइड राइस की रेसिपी। ये एक इजी हेल्दी लंच बॉक्स ऑप्शन है जो सुबह के बिजी शेड्यूल में झटपट बनाई जा सकती है। मैंने चावल से बनने वाले दूसरी रेसिपीज भी शेयर की हैं अपने चैनल पर, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मशरूम 200 ग्राम, उबले हुए बासमती चावल एक और आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप कटे हुए, प्याज एक मीडियम साइज कटे हुए, हरी मिर्च एक से दो कटे हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट एक टेबलस्पून, रिफाइंड तेल दो से तीन टेबलस्पून, खड़े गरम मसाले जिसमें मैंने लिया है जीरा आधा टेबलस्पून, लौंग तीन, हरी इलायची दो, गोल मिर्च पाँच, तेज पत्ता एक और जावित्री एक, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, गोल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर एक टीस्पून, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार और धनिया के पत्ते गार्निश करने के लिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई ले और कढ़ाई हीट हो जाने पर डाले दो से तीन टेबलस्पून रिफाइंड तेल। तेल गर्म हो गया है तो अब डालें सारे खड़े गरम मसाले जिसमें मैंने लिया है जीरा आधा टेबलस्पून, लौंग तीन, हरी इलायची दो, गोल मिर्च पाँच, तेज पत्ता एक और जावित्री एक। जब ये स्प्लटर होने लगे तो डालें एक मीडियम साइज की चॉप्ड प्याज और साथ में डालें एक या दो कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च जैसा आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से डालें। मुझे ज़्यादा तीखा पसंद है इसलिए मैंने दो मिर्च डाले हैं। आप अगर कम तीखा खाते हैं तो एक ही डालें। अब प्याज थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट और नरम हो गया है तो अब चलिए डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने लिया है एक टेबलस्पून और इसे मिक्स कर ले अच्छे से। कुछ सेकेंड्स के बाद अदरक लहसुन की स्मेल आने लगेगी, मतलब अदरक लहसुन भुन चुकी है अच्छे से। तो अब इसमें डालेंगे 200 ग्राम स्लाइसेस में कट किए हुए मशरूम्स। मशरूम्स को दो से तीन मिनट हमें लगातार चलाते हुए फ्राई करना है और फ्लेम को लो ही रखना है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज हो रहा है और मशरूम अपना पानी भी छोड़ रहा है। मशरूम ने जो पानी छोड़ा है वो अच्छे से सूख जाए तो इस स्टेज में हमें डालना है कटे हुए शिमला मिर्च जो मैंने लिया है आधा कप के करीब। इसे भी मशरूम के साथ आधे से एक मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून ले। एक मिनट इसे भूनते हुए हो गया है। अब इसमें डाले स्वाद के अनुसार नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और आधा टीस्पून गोल मिर्च पाउडर। गोल मिर्च पाउडर का टेस्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है तो अगर आप कम मिर्च खाते हैं तो 1/4 टीस्पून ही गोल मिर्च का पाउडर डालें। कुछ सेकेंड्स के लिए सारे मसालों को मशरूम और शिमला मिर्च के साथ अच्छे से फ्राई कर लें। आप देख सकते हैं मशरूम और शिमला मिर्च में मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं और मसाले अच्छे से भुन भी गए हैं। अब चलिए इसमें डालते हैं उबले हुए बासमती चावल जो मैंने लिया है एक और आधा कप। आप इस रेसिपी को कोई भी लेफ्ट ओवर राइस से बना सकते हैं। दो से तीन मिनट इसे चलाएं और अच्छे से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं मसाले की कोटिंग अच्छे से राइस में हो गई है। अब हमें इसे गार्निश करना है तो गार्निश के लिए हमें यूज करना है चॉप्ड धनिया के पत्ते। और ये लीजिए मशरूम मसाला फ्राइड राइस बनकर तैयार है।
आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें रायते के साथ, या ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अगर आपको मेरी ये मशरूम मसाला फ्राइड राइस की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट कर बताइए आपको ये कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल फूड अपबीट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, टेक केयर।